नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शहीद सहारे के अंत्येष्टि उमड़ी हजारों की भीड़। गढ़चिरौली जिले के जानपुर खेड़ा के पास नक्सली हमले में शहीद हुए जवान दयानंद सहारे के अंत्येष्टि में उनके पितृक गांव डिगोरी मोटी में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार को गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा तहसील के जानपुर खेड़ा के समीप नक्सलियों ने भूसुरंग स्फोट किया, जिसमें 15 जवान और एक वाहन चालक की दर्दनाक मृत्यु हुई थी। इस हमले में भंडारा जिले के 3 जवान शहीद हुए, जिसमें डिगोरी मोटे के दयानंद सहारे, लाखनी के भूपेश वालोदे और साकुली तहसील के कुंभभली के घोरमारे का समावेश है। बुधवार को राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सलामी देने के बाद तीनों जवानों के पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपे जाने के बाद देर शाम को तीनों शव उनके गांव पहुंचे। डिगोरी मोटे में घटना की जानकारी मिलते ही शहीद सहारे का अंतिम दर्शन लेने के पंचक्रोशी के हजारों लोग उपस्थित हुए। जैसे हाय शहीद सहारे का पार्थिव उनके घर पहुंचा तो मातम समझ गया। घर में पुलिस द्वारा सलामी देने के बाद फूलों के हारों से सजाए ट्रैक्टर पर पार्थिव रखा गया। शहीद सहारे अंतिम यात्रा के लिए सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखे गए थे। चल बंद नदी में शहीद सहारे को पुलिस द्वारा हवा में 3 बार फायर कर सलामी दे के बाद शहीद सहारे के 3 वर्षीय पुत्री द्वारा माखन की दी गई। इस अवसर पर भारी भीड़ उपस्थित थी। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।